तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में लोअर टी शर्ट अगर बनाते हैं तो पर पीस पे कितना प्रॉफिट होता है। यानी मैं खुद से लोअर टी शर्ट बनाता हूँ तो मुझे पर पीस पे कितना रुपये बच जाता है। तो आज की इस वीडियो में यही सब आपको बताने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके मन में यही सवाल रहता है कि भाई पर पीस कितना रुपए बच जाता होगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि पर पीस पे मुझे कितना बचता है, क्योंकि मेरी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है और मैं पर पीस पे कितना कमा लेता हूँ। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको एक अंदाज़ा मिल सकेगा कि आप पर पीस पे कितना कमा सकते हैं, और इसी हिसाब से आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप मंथली से कितना कमा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें तभी आप समझ पाएंगे। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, मुझे पर पीस पे कितना रुपये बच जाता है। देखिए दोस्तों, मैं लोअर टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ और करीब मुझे पर पीस पे 10 रुपये पीस बच जाता है। यानी सारा खर्चा निकाल कर, कारीगरी का, लाइट का, मटेरियल का, यानी टोटल खर्चा निकाल के मुझे प्रॉफिट 10 रुपये पर पीस बच जाता है बिल्कुल आराम से। और अगर आप भी नया काम स्टार्ट करते हैं तो आपको भी 10 से 15 रुपये तक आराम से बच जाएगा। इसमें ऐसा होता है दोस्तों, अगर आप 100 रुपये तक का आइटम कोई बनाते हैं तो उसमें 10 रुपये तो आपको कम से कम बचेगा ही बचेगा, और 100 से ऊपर का बनाते हैं कोई 150 रुपये की रेंज का आइटम तो उसमें ज़्यादा भी बच सकता है। यानी 15 रुपये भी बच सकता है, 20 रुपये भी बच सकता है। लोग अपने एरिया वाइज प्रॉफिट रखते हैं। मेरे यहाँ तो देखो कम प्रॉफिट पर ही बिकता है, मैं करीब 10 रुपये प्रॉफिट रखकर माल बेचता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है मुझे 5-6 रुपये प्रॉफिट पर भी माल बेचना पड़ता है। तो दोस्तों, इसमें आप प्रॉफिट मत देखिए, इसमें आप क्वांटिटी देखिए, क्योंकि इसमें प्रॉफिट पे काम नहीं होता है, इसमें होता है क्वांटिटी पे काम। जितना आप माल बनाएंगे बेचेंगे उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए समझ लीजिए दोस्तों, आपने नया काम स्टार्ट किया और आप स्टार्टिंग में 5000 पीस महीने में बेच रहे हैं, तो अगर आपको 10 रुपये पीस भी बच रहा है तो आपके महीने के 50,000 प्रॉफिट के हो गए। और 5000 पीस बेचना कोई बड़ी बात नहीं होती है। अगर आप 10,000 पीस महीने में बेच देते हैं तो आपका 1,00,000 रुपये महीने का प्रॉफिट हो गया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप एक महीने में कितने पीस बेच देंगे और आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। प्रॉफिट देखो दोस्तों, 10 रुपये भी हो सकता है आपका, 15 भी हो सकता है, और कभी कभी 10 से कम भी हो सकता है, 8 रुपये, 7 रुपये, कभी कभी 5 रुपये पे भी माल बेचना पड़ता है। तो उसकी टेंशन ना लें, आप क्वांटिटी देखें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बेचने की कोशिश करें। इससे क्या होगा, जितना माल आप बेचेंगे तो उसी हिसाब से आपका प्रॉफिट बनेगा। आप सोचेंगे ज़्यादा प्रॉफिट हो पीस पे तो आप फिर नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। आप 15-20 रुपये प्रॉफिट रख कर बेचेंगे, कोई दूसरा बंदा आएगा वो 10 रुपये प्रॉफिट रख के बेच देगा तो उसका माल ज़्यादा सेल होगा, आपका नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, स्टार्टिंग में करना क्या है, आपको प्रॉफिट नहीं देखना है, आपको क्वान्टिटी देखना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा माल बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा माल सेल करिए, प्रॉफिट कम से कम 10 रुपये तो रखिए। बाई चांस कभी हो जाता है कि बहुत बड़ा ऑर्डर आया, उस पर 5-7 रुपये पर भी बेचना पड़ता है माल, वो बात अलग है, लेकिन आप कम से कम 10 रुपये प्रॉफिट तो रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा माल बनाकर बेचने की कोशिश करिए नए काम में। इससे क्या होगा, आपकी मशीनें भी चलती रहेंगी और आपके कारीगर भी कहीं नहीं जाएंगे, उन्हें भी बराबर काम मिलता रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और जल्द ही मिलेंगे इसी तरह की एक और नई वीडियो लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।